आप हाथ उठवा लो. सो यू कैन सी, आप माइक घुमाओ, माइक घुमाओ. लुक, देयर अबाउट 300. जनता को क्या चाहिए? 50%. आज देश को दो हाथ उठा रहे, दो दो हाथ उठा रहे. आज देश को CANRC चाहिए कि स्कूल, अस्पताल, रोजगार, बिजली, पानी. दिस इज द क्वेश्चन सर. काइंडली माइक घुमा दीजिए. जनता से वन मिनट. माइक है किसी के पास? बोलिए बोलिए. हाँ बोलिए. वन सेकंड प्लीज. मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पे मैं बोल चुका हूँ, मेरी समझ के बाहर है कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, ऐसे वक्त में जब पूरे देश की इकोनॉमी का बुरा हाल है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, ऐसे वक्त में CA और NRC की क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ. आप कह रहे थे कि आपके समझ के बाहर है. मेरी समझ के बाहर है कि ऐसे समय में जब पूरा देश इतनी मंदी से गुजर रहा है, और बताते हैं कि 40-50 साल की डेटा के हिसाब से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी है. मेरे को एक दिन ये सोमनाथ भारती जी बता रहे थे, ये यहाँ के लोकल MLA हैं, इन्होंने बताया अभी पिछले थोड़े दिन पहले एक कहीं पे चोरी पकड़ी गई CCTV कैमरा के जरिए जो लगाए हैं. अभी जब चोर से पूछा तो उस चोर ने बताया कि पिछले साल फरवरी के महीने तक वो 80,000 रुपए महीने की नौकरी करता था कहीं पे. उसकी नौकरी छूट गई है, 8 महीने हो गए उसको बिना नौकरी के, और अब उसने चोरी चकारी शुरू कर दी है. ये जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ रही है, इसके आप इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस सोच पा रहे हो? You are saying that you cannot understand when there are people with so many different problems, economic problems, why would they be bothered about Shaheen Bagh, right? No, I'm or saying more CAA, than that. Or, I'm saying more NRC, than that. You are not allowing me to Article speak. Article 370. But sir, in your own city today, you are not allowing me there to is speak. A whole area where hundreds of people are sitting on the streets. You have seen protests on the streets of your own capital. The Chief Minister of Delhi has seen these protests. Large number of people are out. CA doesn't matter to these people. मैं पहले वाले क्वेश्चन का जवाब नहीं, आप इसका जवाब दीजिए. बिकॉज सर मेनी पीपल आर सेइंग. तो फिर पहले वाला क्वेश्चन पूछा क्यों था जब आंसर नहीं मिल रहा था? मेनी पीपल आर सेइंग, आई ओनली आस्क्ड यू सर, यू आर मेकिंग द एंटायर कन्वर्सेशन फ्रिवोलस. नो, आई एम नॉट. आपको क्वेश्चन पूछना ही नहीं है. नो, आई एम मेकिंग इट जर्मेन टू द प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन दिल्ली. इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आल्सो, बट यू आर नॉट टेकिंग अ पोजीशन. मिस्टर केजरीवाल, लेट मी आस्क यू दिस इन ऑल ऑनेस्टी प्लीज. यू आर सेइंग दैट दिस इशू दैट द बीजेपी इज रेजिंग is of no consequence to the people, then why are they out there marching? Why is Shaheen Bagh occupied for more than a month, sir? Why are lakhs of people today finding it difficult to go from work to their home? You spend 1.5-2 hours. Why are they putting up with this inconvenience? Some people are not even wanting to put up with this inconvenience. There is a loss of 1,000 crores because of these protests. Are those people raising non-issues? Protest क्यों हो रहे हैं? Over CA? CA की क्या जरूरत थी? आप मुझे बताइए सर. आप बताइए. You ask. आप उनकी वकालत कर रहे हैं. मैं किसी की वकालत सर. अब आप underhand. I am giving you a chance to speak. I'm only asking you. BJP is saying. मैं आपको इंटरफेयर भी नहीं करूंगा. पूरा पूरी बात बताइए सर प्लीज. बीजेपी इज रेजिंग इश्यूज विच यू से आर अननेसेसरी. मैं आपसे पूछ रहा हूं विच यू से आर नो रेलेवेंस टू द पीपल, येट लैक्स ऑफ दिल्लीआइट्स आर आउट देयर. मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूं. Why are they on the streets? They are on the streets because there is CA and NRC. Where do you stand on that? That is exactly CA or NRC की जरूरत क्या थी? मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूं. Where do you CA और NRC की जरूरत क्या थी? So अगर CA और NRC आज हटा दें, सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे. मैं आपको बताता हूँ सर, सुन तो लो यार. दिल्ली में 6 कैंप्स हैं. मेरे को बोल तो लेने दो. दिल्ली में 6 कैंप्स हैं. आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देता हूँ. दिल्ली में 6 कैंप्स हैं जहां पर हिंदू सिख पाकिस्तान से भाग के आए. दे एस्केप पाकिस्तान बिकॉज दे वर पर्सिक्यूटेड देयर. डोंट यू थिंक दोस पीपल शुड गेट सिटीजनशिप मिस्टर केजरीवाल? तो उन 6 कैंप्स के लिए पूरे देश के अंदर हंगामा कर दिया. So now you are trivializing this issue. It is actually a trivial. You are trivializing this issue. भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, दिल्ली में 6 कैंप्स हैं. Millions of Hindus, उन 6 कैंप्स के लिए पूरे देश का सत्यानाश कर दिया, पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया उन 6 कैंप्स के लिए. Okay, so the problems of millions of Hindus, Sikhs, Parsis, Christians
in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan are of no consequence to the Delhi Chief Minister. Is that what you're saying, sir? The problems of millions of Hindus, Christians, Parsis, or kya? Sikhs, Jains and Muslims living in Delhi is my problem. So let me ask you, there are, sir, आपको पाकिस्तानियों की बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है, भारत के लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके. भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है, हिंदुओं की, क्रिश्चियंस की, पारसीज की, सिखों की, उनकी बेरोजगारी सॉल्व हो गई. आप फिर शाहीन बाग आपसे उनकी बेरोजगारी सॉल्व नहीं हो पा रही, इसलिए आपने जानबूझ के ध्यान भटकाने के लिए किया. आप फिर शाहीन बाग क्यों नहीं गए सर? क्या जरूरत है शाहीन बाग क्या जरूरत है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप अपने चैनल के जरिए एक मिनट जेएनयू के एक मिनट छात्र जाते हैं. मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आज तमाम इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं. आप गए थे? मैं क्यों जाऊं? मैं आपसे एक चीज पूछता हूं. ये नहीं जाएंगे. मेरी बात सुनिए. वी रिपोर्ट सर, वी गवर्न शाहीन बाग, वी गवर्न सर, वी हैव बीन, वी गवर्न, वी हैव बीन, वी एडमिनिस्टर, वी हैव रिपोर्टेड. We have reported. We have not distanced ourselves. We are amongst Shaheen Bagh. We have not distanced ourselves. हमने स्कूल चलाए, हमने अस्पताल चलाए, हमने सड़कें बनवाई, हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हमने जो उनका जो उन्होंने देश के अंदर बवाल मचाया है. शाहीन बाग नहीं, उन्होंने पूरे देश के अंदर जो बवाल खड़ा किया है वो इसलिए खड़ा किया है कि उनसे बेरोजगारी नहीं संभल रही. बट शाहीन बाग उनसे देश के उनके देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, इनकी हिम्मत नहीं है अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करने की. इनकी हिम्मत नहीं है बेरोजगारी पे बात करने की. वो लोग इतने पावरफुल हैं, इनका चैनल बंद करा देंगे, इसलिए सारा दिन सुबह से शाम तक केवल और केवल हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान. एक मिनट मुझे बोलने दीजिए. अब केवल 24 घंटे हिंदू मुसलमान करते हैं. ये देश सारे धर्मों से बना है, ये देश सारी जातियों से बना है. इस देश के लिए हर व्यक्ति अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, और जो लोग इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे. ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश का हर बच्चा शिक्षित होगा. ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जाएंगे. ये देश तब आगे बढ़ेगा जब इस देश के अंदर साइंटिफिक टेम्पर बढ़ाया जाएगा. ये देश तब आगे बढ़ेगा जब यहाँ पे सड़कें, नालियां, गलियां, पानी, बिजली दिया जाएगा. ये देश सीए और एनआरसी से आगे नहीं बढ़ने वाला. ये देश में सीए और एनआरसी केवल और केवल हमारे लोगों को बांटने के लिए किया गया है, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत महान हैं. वो कभी भी बटने नहीं वाले. वो इनके और बीजेपी के मंसूबों के ऊपर पानी फेर रहे हैं. लेट मी आस्क यू, यू हैव गिवन एन इलेक्शन स्पीच. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द प्लेटफॉर्म. व्हिच यू शुड हैव गिवन, व्हिच यू शुड हैव गिवन परहैप्स एट शाहीन बाग. बट सर, बट I just want to ask you a simple question. You are talking about Bantwara. You are talking about division. So you believe that these legislations are anti-Muslim. You believe this? मैंने कब कहा? You're saying who is dividing whom on what basis? मतलब ये पूरा जबरदस्ती हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान. आप आपने बोला. अच्छा, मैं थोड़ी क्रोनोलॉजी समझा देता हूँ. You accuse me. You accuse me. I will. One second, sir, please. Sir, you have spoken. You accuse me of wanting to divide the country. Now we are going down a very different path. This was not the intention. So I just want to ask you, on what basis, sir, would you say that the CA, the NRC divides people? Just answer that question. मैं थोड़ी सी chronology. On the basis of religion? Chronology. I'm asking you, sir. On what basis? बोलने तो दो यार. On what basis? बोलने तो दो. अब मैं बोलूँ? Promise me that you will not interfere. That depends on what you say. No, that's not correct. If you promise me that you will not interfere, I will speak. Sir, but you have attacked me right now for 20 minutes by suggesting that we don't talk about economy. I don't know, sir, have you been on Times Now recently? Because your own participants from your own party have been on economic debates on Times Now, where promise, we have asked the pertinent questions. मेरे को बोलने तो दो यार. So I just want to ask you a question. You talked about division.
between who and who do these acts divide? Simple question. मैं बोलूँ आप? बताइए. आप इंटरफेयर नहीं करेंगे? प्रॉमिस? आप बताइए. सो इसकी गारंटी और वारंटी मैंने नहीं दी सर कभी. देखिए राहुल, आप सारी इस डिबेट को frankly पिछले कई I am not sir I wanted to move on you started bringing it back to this I wanted to move on we have questions also to ask of the audience but I was just asking you a couple of questions and you have brought up this issue you have sort of said that times now is mixed up this that the other I want to make it clear all issues of relevance are raised we have reported from various places where a large number of people are saying even people sir at Shaheen Bagh are saying why isn't the chief minister come there I'm only asking you on their behalf they're also citizens of Delhi that's all I just want to make it clear but if you think that their voices are irrelevant that's fine you have the right sir I think CA and NRC is irrelevant CA and NRC are not required in this country. So then, अभी इस वक्त देश की जरूरत है और देश की डिमांड है कि केंद्र सरकार CA और NRC बंद करके खत्म करके और देश की इकोनॉमी पे ध्यान दे अभी इस वक्त देश की जरूरत है कि केंद्र सरकार देश के सभी मुख्यमंत्रियों को सभी पार्टियों को बुलाए और चर्चा करे कि देश के अंदर हम जॉब्स और कैसे क्रिएट करें सब लोग दिमाग लगाएं राइजिंग अबव पार्टी लाइंस अभी देश की जरूरत है कि हम किस तरह से नौजवानों को रोजगार दे सकें बंद फैक्ट्रियों को खुलवा सकें और किस तरह से इकोनॉमिक बूस्ट कर सकें और अगर केंद्र सरकार ऐसा स्टेप उठाती है मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसी मीटिंग में आने से मना करेंगे कोई भी चीफ मिनिस्टर पार्टिसिपेट करने से मना करेंगे या कोई भी पार्टी पार्टिसिपेट करने से इस वक्त जरूरत है सारे देश को एक साथ खड़े होकर अपनी इकोनॉमी के तरफ ध्यान देने की तो मेरे को ये लगता है कि ये जो भी लफड़ा चल रहा है इस लफड़े को बंद किया जाए और दो मिनट के अंदर बंद किया जा सकता है वो लफड़ा मेरे वहां जाने से बंद नहीं होगा मेरे वहां जाने से आज CA और NRC खत्म होता हो मैं अभी 5 मिनट में खत्म कर दूंगा लेकिन मेरे वहां जाने से खत्म नहीं होगा वो केंद्र सरकार को खत्म करना है अगर वो खत्म कर दे CA और NRC को सारे शाहीन बाग के लोग भी और पूरे देश में चल रहा है केवल शाहीन बाग में नहीं पूरे देश में चल रहा है सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और सब लोग अपने अपने धंधे में लग जाएंगे सो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड एंड यू हैव अ पॉइंट इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू कमिंग फ्रॉम अ चीफ मिनिस्टर of the capital of the Union of India. Very important. Very, very important. Okay, I just want to ask you, sir, and this is very important. Many people, including the LG, including the courts, and my last question on this issue, but it is an issue that is being dragged into the elections by the opposition. I'm only asking you this, sir, in a very limited scope. Have said to the Shaheen Bagh protesters, the matter is now in court. Vacate. Because inconvenience is being caused, which is an administrative issue to a large number of people. Sir, there are, at this moment when there are exams happening, 25 students have gone to the courts. Many more are lining up to go, saying that they fear for their future, the same future that you want to guarantee through education. And they say that protesters should be asked to disperse. Even the courts have told the police to please gently ask them to disperse, but they're not going. Perhaps you could add your voice and tell them that please disperse, let's end this agitation, let the courts handle the matter. Is that an unreasonable question to ask of you? That's all I'm asking. देखिए इस देश के अंदर सबको शांतिपूर्वक तरीके से किसी भी मुद्दे पे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है ये आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सबको अधिकार दिया गया है लेकिन प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए तो अगर कोई भी असुविधा है तो वो असुविधा नहीं होनी चाहिए किसी को भी तो आप उनको कह रहे हैं कि मे बी यू शुड टेक मेरा अपना ये मानना है मैं डिटेल्स मुझे नहीं पता बिकॉज मैं वहां गया नहीं हूं लेकिन अगर किसी भी किस्म की असुविधा है तो असुविधा ठीक नहीं है सब लोग प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है लेकिन दूसरों को असुविधा क्रिएट करना नहीं होना चाहिए इंपॉर्टेंट मैसेज गोइंग आउट फ्रॉम द दिल्ली चीफ मिनिस्टर